नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु मै चिरमय प्रथमे हेडलाइंस राज्य में 24 घंटे 477 नुआ पॉजिटिव खोर्धारु सर्वाधिक 200 कटक रु 62 आक्रांत 74 जन 18 वर्ष रु कम संक्रमित सेपटे पुणी 4 जीवन ला वायरस स्वच्छ भारत मिशन अर्बान अटल मिशन 2.0 को लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री देशर प्रति सहर को आवर्जना मुक्त सह जल उपलब्ध करने को योजना द्रुत सहरीकरण आह्वान और स्थायी विकास लक्ष्य अक्टोबर पर आसला पार्वण गाइडलाइन अक्टोबर 11 20 नाइट कर्फ्यू अवधि बढ़ला राति 10 नुहे राति 8 सका 5 पर्यंत जारी रहिबो कर्फ्यू अक्टोबर 31 जाए घुंचिला ड्राइविंग लाइसेंस वैधता अवधि समय सीमा फिटनेस परमिट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नियम रे भी कोहल लर्निंग पाई टंका देतिले आरटीओ बदलाई बुकिंग करि पारिबे स्लॉट किए पिंधिब पिपिली मुकुट रुद्र महारथी आश्रित पटनायक ना विश्वकेशन हरिचंदन ईवीएम रे सिल हला नेतांक भाग्य तीन रे आसिबो रिजल्ट सेपटे टंका बंटा खबर प्रसारण पई अर्गस प्रतिनिधि को दुर्व्यवहार एसपी कहिले तदंत पर हेब कार्यानुष्ठान स्वास्थ्य सेवारे भी राज्य सरकार को ठिक्का प्रीति निजुक्ति वंचित होती शह शह आशायी डाक्तर सेपटे राज्यवासी को मिलूनी गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा ठिक्का व्यवस्था निष्पत्ति प्रत्याहर न कले आंदोलन करने को रेसीडेंट डाक्तर संघर धमक शेषे दुबई एक्सपोर उद्घाटन संध्या रंगारंग कार्यक्रम सह आरंभ है दुबई एक्सपो 2020 कोरोना महामारी जो गोटे वर्ष विलंब से आरंभ है दुबई एक्सपो भारत सह 192 देश करुछन्ति अंशग्रहण बुलेटिन आरंभ करिबा कोरोना संपर्कित खबर राज्य में 24 घंटा 477 नुआ पॉजिटिव चिन्हट होती खोर्धारु सर्वाधिक 200 रही बेले कटक 62 आक्रांत चिन्हट होती 74 जन 18 वर्ष कम संक्रमित रही सेपटे पुणी 4 जन जीवन नहीं भाइरस आज संख्या को मिसाई राज्य में कोरोना जनित मृत्यु संख्या 8202 में पहुंची आज क्वारंटीन 278 जन रही बेले लोकाल केस रही 100 अक्टोबर 6 फेर दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु जून में आसब चलित बर्ष दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु राजस्थान रु आसंता 6 तारीख में प्रत्यावर्तन आरंभ कर धीरे धीरे यह देशर अन्य जगह ओहर तेरे संपर्क में भारतीय पाणीपाग डीजे मृत्युंजय महापात्र आलोचना करम दिल्ली प्रतिनिधि गगनेश्वर दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु जून में केरल छुईला बेले वर्तमान अक्टोबर रु ता फेरबार प्रक्रिया आरंभ हो तेबे उत्तर पूर्व मौसुमी वायु किभली रहिब एवं दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु केबे सुधा संपूर्ण भारत रु फेरिबो एनी आकलन करछि भारतीय पाणिपाग विभाग तेबे आम सहित आईएमडी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र अछन्ति सीधा सळख तांको सहित आलोचना करबा सर सर्वप्रथम चैनल को स्वागत करछि सर जेमती आमे देखुछु पछरे सैटेलाइट पिक्चर अछि बंगोपसागर पूरा गोटे प्रकार क्लियर इमेज देखुछि तो सर कोन कहबे बंगोपसागर वर्तमान क्लियर अछि ओडिसा प्रति सर्वप्रथम जानिया पय छै ओडिसा प्रति वर्तमान किछि वर्षा अछि कि नै एवं दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु केबे सुधा फेरिबा आरंभ आजिर स्थिति अनुसार दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु अक्टोबर 6 तारीख पखापाखि नॉर्थ वेस्ट इंडिया अर्थात राजस्थान अंचल रु यार विड्रल प्रोसेस आरंभ करिवार अनुमान करा जाउछि एवं धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया तापर सेंट्रल इंडिया ईस्टर्न इंडिया रु विड्रल हेबो साधारणत अक्टोबर 12-15 तारीख मध्य संपूर्ण देश रु मौसुमी वायु विड्रल होता है तापर अक्टोबर 20 तारीख पखापाखि नॉर्थ ईस्ट मनसून रो कमेंसमेंट होता है नॉर्थ ईस्ट मनसून रो विशेष प्रभाव वर्षा हिसाब से साउथ ईस्ट पेनिनसुला ऊपर रही है जमीती कि तमिलनाडु पुडुचेरी कोस्टल आंध्र प्रदेश रॉयल सीमा साउथ इंटीरियर कर्नाटक केरल लक्षद्वीप एवं
साउथ ईस्ट मनसून समय साधारणतः मनसून डिप्रेसन लो प्रेशर सिस्टम्स डेवलप होता है जहाँकि ओडिशा उपरे अतिक्रम कर जाए जहाँ आम देखिले विशेषतः सेप्टेम्बर मासरे अधिक लो प्रेशर सिस्टम आसला और भल वर्षा है तापर नॉर्थ ईस्ट मनसून आसवा पीरियड जोटा ताकि अक्टोबर डिसेंबर से पीरियड में साधारणतः डिप्रेसन साइक्लोन्स डेवलप होता है ओडिशा मध्य समय साइक्लोन आसवर संभावना थाए तेणु जिते बड़े नॉर्थ ईस्ट मनसून रेनफॉल प्रभाव विशेष किसी ना उपरे किंतु नॉर्थ ईस्ट मनसून सर्कुलेशन चलता समय यह अनुकूल परिस्थिति सृष्टि करें साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस डेवलप होगापी बे बेंगाल तेणु आम यू निरीक्षण करुच्छ जिते बड़े कौन से भाई साइक्लोन डिस्टर्बेंस डेवलप होवार संभावना देखा जीवो तार पूर्वानुमान करवा कहुए सर जो नॉर्थ ईस्ट जिते से आसे तार अनेक समय साइक्लोन क्रिएट हुए अक्टोबर कथा आसे खासकर ओडिशा परिप्रेक्षी एक एकाधिक साइक्लोन आसवर मध्य नजर रही प्रति वर्ष छोट हो बड़ हो लघुचाप हो साइक्लोन हो अक्टोबर मस अधिक होवार नजर रही तो चलित वर्ष सेमती सर किसी स्पेकुलेट करते साधारणतः दुईट सीजन रे बात्यार प्रभाव पड़ता है गोटे हूँ एप्रिल मे जून विशेषतः मे मस प्रभाव पड़ता है अक्टोबर नवंबर डिसेंबर एवं से अक्टोबर डिसेंबर मध्य अक्टोबर ही सब बेस गुरुत्वपूर्ण मस जिते बड़े बात्यार प्रभाव पड़ार संभावना थाए आमर ये अंचल सेमती किसी लंग रेंज फोरकास्ट एपर्तंत दि जा पारना कारण फ्रिक्वेन्सी बहुत कम ये साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस किंतु आमर गोटे एक्सटेंड रेंज फोरकास्ट रही आसंता पंद्रह दिन कौन हबार अच्छी एवं तापर ताक फॉलो करके आसंता सप्ताह कौन हबार अच्छी से भाई पूर्वानुमान कर राज्य परिवहन कर्तृपक्ष ड्राइविंग लाइसेंस रो वैधता अवधि को अक्टोबर 31 तारीख को घुंचाई देखते सेप्टेम्बर 30 तारीख रो एहा को आउ मासे बढ़ा जाए फिटनेस परमिट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अवधि को मध्य 31 तारीख जाए बढ़ाई दि जाए तेज लर्निंग लाइसेंस धारी डीएल टेस्ट पर निजर निकटस्थ आरटीओ रे स्लॉट न पाइले सेमाने अनुरोध पूर्वक आरटीओ बदलाई स्लॉट बुकिंग करेंगे जो मैंने डीएल टेस्टिंग फी देते सेमाने ए सुविधा पाई आज दिन 11:00 स्वच्छ भारत मिशन अर्बान 2.0 और अटल मिशन 2.0 को लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशर समस्त सहर को आवर्जना मुक्त सह जल उपलब्ध रखा योजना प्रस्तुत होई प्रधानमंत्री कार्यालय पक्ष एक विज्ञप्ति में कहा 2030 मध्य द्रुत सहरीकरण आह्वान और स्थायी विकास लक्ष्य हासिल दिगरे सहायक हो सकाळ मॉर्निंग वॉक करुथिबा बळे सांबादिकंकु भुवनेश्वर रे माडा स्कूटी रे दुईजण युवक माडा मारिबा सह मोबाइल छडाई निछंती सकाळ प्राय 5टा समय रे समय खबर कागज पश्चिम ओडिशा ब्यूरो चीफ सत्यसुंदर भंजक उपरे माडा मारिथिबा आक्रमणकारीकु से चिन्हि पारिबे बोली प्रतिक्रिया रखिछंती क्षताक्त अवस्था रे कैपिटल हॉस्पिटल रे भर्ती होइछंती पुलिस रो पेट्रोलिंग ढिला तेनु राजधानी बासी सुरक्षित नहाति बोली प्रतिक्रिया रखिछंती सांबादिक एमो 5टा गोटे बाहरिकी शताब्दी नगर घर मुझे जाऊँ मणिम आगे मणिम जो थी जस्ट डेल्टा जो छक अच्छी छक 20 मीटर पर दुईज आसिले गोटे स्कूटी आसिले अटक मैं भाई अटक कहे मुझे अटकिली अटकिले पर कहला मोबाइलटा दि कह कहीं कहली कहीं गला भितर से मत गोटे स्कूटी बसी थाए जे पचर बसी से आसला कहीं कहला आौड़ी आसला जो मत बाड़ा को मुझे बाड़ेदेली मोर से प्रोटेक्शन से पड़गला तले पड़गला तर पर मुझे बाड़ी तापर जे बैगे आ स्कूटी जी थी से लुहा छड़ लुहा रड लंबा रड धरिक आसिक जोर जार खाली मतलब बाड़गला ये बाड़गला मुझे छाड़ न था कि मत जो असह हो गला मुझे लेट कर पारे छाड़देली जो पड़ा तले तले जो पड़गला ना मोबाइल दे मोबाइल दे खाली से खाली कहते बुझे कि मोबाइल दे कहली असह जितेगला लोक भी अच्छे से आखिर मोबाइलटा को देदेली मोबाइलटा देलापर भी ब्लीडिंग होता मुझे दौड़ेली बैक स्कूटीटा को लोक मुझे कहली हेल्प कर चोर चोर बोली कहली कि लोक किसी रेस्पंड कले ना राज्य सरकारों ठिका निजुक्ति प्रीति सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रे असिस्टेंट प्रोफेसर को ठिकारे निजुक्ति देइछंती राज्य सरकार जहाँ को नहीं निज भविष्य चिंतार अच्छा
आसीस्टांट प्रोफेसर पद पर आशायी छात्र छात्री सेपटे ठिका प्रीति जो गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा पाइबार वंचित होती राज्यवासी अंपटे ठिका व्यवस्था को उच्छेद कर आसीस्टांट प्रोफेसर निजुक्ति को नियमित करने वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ परामर्श देता बेले निष्पत्ति प्रत्याहार न आंदोलन धमक रेसीडेंट डाक्तर संघ देखु अर्गस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट स्वास्थ्य सेवा रे भी ठिका व्यवस्था आसीस्टांट प्रोफेसर को ठिकार निजुक्ति देखते राज्य सरकार सेपटे यहाँ उच्छेद करने दाबी होता बेले अनेपटे राज्यवासियों को किपर मिल गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा ताक उठाने बड़ प्रश्न स्वास्थ्य सेवार भी राज्य सरकार ठिका प्रीति निजुक्ति वंचित होह आशायी डाक्तर राज्यवासी को मिलूनी गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा ग्रेड वन ऑफिसर रैंक आसिस्टेंट प्रोफेसर को वर्ष वर्ष धरी विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ले ठिकार निजुक्ति देउछंती राज्य सरकार ओडिशा लोकसेवा आयोग जरिया निजुक्ति देवाई सरकार घोषणा करते किंतु एबे केवल मार्क आधार रे आसिस्टेंट प्रोफेसर को देउछंती निजुक्ति जहार पोल खोली जाइछि ओपीएससी और डीएमईटी पक्षर जारी कर चिठी टिके नजर पकांतु ओपीईसी रो एही चिठी उपरे एथरे आसिस्टेंट प्रोफेसर पई लिखित परीक्षा लगी ओपीएससी चलित वर्ष 13 जुलाई रे एक विज्ञप्ति प्रकाश करथिला हेले 18 सेप्टेम्बर रे डीएमईटी पक्षर विज्ञप्ति करा जाई विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ले 37 जन आसिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति दिया जाई छी राज्य सरकार को ठिका प्रीति जगु गुणात्मक स्वास्थ्य रु वंचित होती लोके खाली एति की नुहे यहाँ गत वर्ष आसीस्टांट प्रोफेसर पर योग्यता हासिल कर आशायी निज भविष्य को नहीं चिंतार तुरंत यह उच्छेद कर नियमित निजुक्ति दावी कर आशायी वर्ष वर्ष धरी कंट्राक्चुअल पोस्टिंग होजि नुह सरकार निजे या कंडक्ट नक ओपीएससी मध्यम कंडक्ट नक जो डीएमईटी को देखते से डीएमईटी सैड्रे गोटे फल्टी रिक्रुटमेंट सिस्टम सब निजुक्ति दिया जाउची जोटा कि आपणकर दशम द्वादश एवं एमबीबीएस मार्क बेसिस रे दिया जाउची जोटा कि निश्चित भाव भूल तो ये जिनसटी को आर गोटे समय सीमा निर्धारित करापाई गोटे नियम या जन यदि कंट्राक्चुअल रिक्रुटमेंट है से केते दिन से कंट्राक्चुअल पीरियड रत दिन है से रेगुलाइजेसन हम रेगुलाइजेसन हाँपाई तार परीक्षा तमें परीक्षा परीक्षा जोटा रिटर्न परीक्षा नट मार्क बेसिस वर्तमान राज्य में सातटी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रही राज्यवासी को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा देवाई आसिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति को नियमित करने लोकसेवा आयोग द्वारा करा आवश्यकता रही एससीबी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पूर्वतन अध्यक्ष तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डाक्टर सिद्धार्थ दास यदि सरकार तुरंत निष्पत्ति प्रत्याहर करे नियमित निजुक्ति प्रदान न करती आग को आंदोलन उग्र रूप ने रेसीडेंट डाक्तर संघ तेणु ये जो परिसृष्टि करा बड़ नकारात्मक परिस्थिति तेणु सरकार तुरंत जो पुराणा आईन को जो 10 वर्ष तले कि 8 वर्ष तले करते से पीछे संशोधन करवाकार भाग रिक्वायरमेंट कर पब्लिक सर्विस जनातु और पब्लिक सर्विस कमिशन डायरेक्टली रिक्रुटमेंट करूँ जिते पोस्टिंग दि जाऊँगी से लिखा जाए मैक्सिमम 4 इयर्स रहीपारे ना जिते ओपीएससी रे से पोस्टिंग अन्य डॉक्टर माने आसीबे से टर्मिनेट करके पेरीफेरी पठा जाव तेणु से पोस्ट को लेकिन सीयर नुहंती से दूर केतेदिन रहीपर आमी सर्विस दे पारे जेहेतु जड़े निजर पोजिशन आए को लेकिन सीयर नुहंती से मैंने सर्विस दे पारे तो सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ले ठिका डाक्टर नियुक्ति करी मेडिकल काउंसिल सामने रे निजकु सक्षम बोली कही आशायी भविष्य को नष्ट करुछि राज्य स्वास्थ्य विभाग यह सब गुणात्मक स्वास्थ्य सेवारु वंचित होउछंती राज्यवासी प्रश्न उठुछि काही के त्रुटिपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया डाक्टरक असंतोष को स्वास्थ्य मंत्री देखुछंती तो कटकरु कैमरा पर्सन गौतम महाती इमरान खान रिपोर्ट अर्गस न्यूज नवरंगपुर रायघर में हाथी आतंक छत्तीसगढ़ उदंती सीता नदी व्याघ्र अभयारण्यू हाथी पल पशि आसीथिबा कहुच्छे गत दुई दिन है ओडिशा जंगल रे तांडव करुछंती प्राय 17 छत्तीसगढ़ी हाथी पल मक्का खाइबा सह फसल नष्ट करुछंती नवरंगपुर छत्तीसगढ़ वन विभाग पक्षर सहयोगर हाथ बढ़ा जाइछे अंचल में प्रथम थर पर हाथी आसीथिबा जोगु सीमांत ग्रामवासी माने आतंकित अवस्था रहिछंती
ସେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଉମରଗଡ଼ରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର। ସନ୍ତୋଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀ କେଉଁଠି ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି? ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏଇଟା ଏକ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଇ ଏଇ ଏରିଆର ଲୋକ ପୁରା ଆତଙ୍କିତ ହେଇକିନା ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଭୟଭୀତ ହେଇକିନା ଅଛନ୍ତି। କାଲି ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଫରେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ହାତୀଙ୍କୁ, ଘୋଡ଼େଇବାରେ କିନ୍ତୁ ସକ୍ଷମ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ହାତୀ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଏ ଏରିଆକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କି ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ନ ଖାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ସେମାନେ ଏଠି ମକା ଚାଷ, ଧାନ ଚାଷ ହେଇଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ, ତ ସେହେତୁ ସେମାନେ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ପାଇ ସେମାନେ ରହି ଯାଉଛନ୍ତି। ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେମାନେ ଦିନରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ରାତିରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି, ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କିଛି ରିଆକ୍ସନ ଆସୁଛି। ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କାଲି ଏସ୍ଏଫ୍ଓ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବି କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି କରିଥିଲୁ। ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲୁ, ଯେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଦିନରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ରାତିରେ ପଳେଇ ସେମାନେ ଚାଷମୁହାଁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ଏକର ମକା ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଲୋକମାନେ ଏ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ମକା ଚାଷ ସରିଲା, ମକା ଧାନ ନଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଗାଁ ମୁହାଁ ଯେମିତି ନ ହେଇଯାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସଂରାଜ ଗଣ୍ଡ ବି ସହିତ ବନ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେଣି ଏ ବାବଦରେ? ଆଉଥରେ ମ୍ୟାଡମ, ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କଲେଣି? ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏସ୍ଏଫ୍ଓ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏସ୍ଏଫ୍ଓ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ 30 ରୁ 40 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତୀକୁ ଘୋଡ଼େଇବେ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଜଗିକି ରହିବେ, ହାତୀ ଯେମିତି ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ ଭିତରେ ନ ପଶି ପାରନ୍ତି, ଗାଁ ଭିତରେ ଗାଁ ମୁହାଁ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପଠେଇ ଦେବୁ ବୋଲିକି ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ, ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ଯେ ବାରମ୍ବାର ଘୋଡ଼େଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ହାତୀ ଗାଁ ବା ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛି, କୋଠି ନା କୋଠି ଇଏ ବନ ବିଭାଗର ହେଉଛି ବିଫଳତା। ଆଶା କରୁଛୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଉ, ହାତୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆସିଲା ଅକ୍ଟୋବର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, 10 ଦିନ ପାଇଁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁର ଅବଧି ବଢ଼ିଛି। ରାତି 8ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବର 11ରୁ 20 ଯାଏ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଅବଧି ବଢ଼ିବା ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ରାତି 10ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିବ। ପାର୍ବଣ ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, ଏସବୁ କଟକଣାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଯାହା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଥିଲା ତାହା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଏବେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଶୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ସହରରେ ଆଗରୁ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କୋରାପୁଟ ଭାଷାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କୋରାପୁଟ ସହରର ବିଗ୍ ବଜାର ମଲ୍ରେ ପ୍ଲେ ହୋଇଛି କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଲ୍ ଭିତରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ କୋରାପୁଟିଆ ସିନେମା ଲାଗିବାକୁ ନେଇ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏବଂ କଳାକାରମାନେ। ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାର ପଡ଼ିଲା ମୋତେ, ଯାହାକି ଆମର ସୁଭାଷ ରାଉତ ଭାଇନା ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲା କି ଆଜି ଆମେ ଏସ୍ଆର୍ ମହଲରେ ଆଜି ରିଲିଜ୍ କରିପାରୁଛୁ ପ୍ରିମିୟରଟା, ମୋତେ ସେଇଟା ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗଲାଣି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲାଣି। ଏ ଫିଲ୍ମଟା ଆମର ପୁରା କମର୍ସିଆଲ, ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ସେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ମେସେଜ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ସେ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ କମର୍ସିଆଲ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଗର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ମୋର ମେସେଜ୍ ମୁଭି ଆକା ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ, ସବୁଠି ମେସେଜ୍ ରହୁଛି। ଏ ଫିଲ୍ମରେ ବି ମେସେଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଇଏ ସିରିୟସ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ, ଏଇଟା ମଡେଲିଂ, ଗୋଟେ ମଡେଲାଇଜ୍ ମୁଭି, ସେତିକି ଆକା କହିପାରିବି ଆକୁ। ଏମାନେ ଯଦି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରନ୍ତି ଆଉ ଅନେଷ୍ଟଲି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହେଇକିନା କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକିନା କାମ କରନ୍ତି, ଡେଫିନେଟ୍ଲି କେଉଁ ଲେଭେଲ୍ରେ ବି ଜଣେ ପାସ୍ କରିଦେଇପାରିବ, ତା ପାଇଁ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ବାକ୍ୟ ବୀର ନ ହେଇକିନା କର୍ମବୀର ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ କରିପାରିବା। ଏବେ ଉତ୍ସାହ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷର ମେନ୍ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲେ ହିଁ ଆମେ ଏଇଠି କିଛି କରିପାରିବା। ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ପରଦାରେ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆଜି ଯଦି ବି ପରଦାରେ ଲାଗିଛି ସେଇଟା ସାର୍ଙ୍କର କୃପା, ସୁଭାଷ ରାଉତ ସାର୍ଙ୍କର କୃପାରୁ ହିଁ ଲାଗିଛି ପିକ୍ଚର୍ଟା, ନହେଲେ ଆମର ବି ତା ଭିତରେ କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ସାର୍ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଏ ଜିନିଷଟା କରିପାରିଲୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକର ଏକର ଜମିରେ କଖାରୁ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ଚାଷୀ, ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଡ଼କ, ବେପାରୀ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ
କଖାରୁ ବିକୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅମଳ ସମୟରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ କଖାରୁଗୁଡ଼ିକ ପଚିବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଋଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ ବୋଲି ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। 40 ହେକ୍ଟର ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛି, ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଯାହା ତ ହେଇଥିଲା ହେଇଥିଲା, ଏ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାରେ ସବୁ ମାଲ ତ ଉଠୁନାହିଁ, ପାଟି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବଜାର ଚାଲୁନାହିଁ, କିଏ କହୁଛି 15,000 କିଏ କହୁଛି 10,000, ଏରକମ ସବୁ ପଚି କରି ସାର୍ ସାରିଗଲାନି। ଲାଭ ଆଉ କାହିଁ ସାର୍, ଏଇ ଯେ ସବୁ ତ କ୍ଷତିରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଲିଛି, ଅଧା ଅମଳ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆରଗାର ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଏ ବର୍ଷ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଇତାଳ ଦର ରେଟ୍ ମାନେ 5-6 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ଆଉ ଶାଗ ମାଛ ଦର ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ଗତ ବର୍ଷ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦରଦାମ ଥିଲା ଆଉ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇଥିନୁ। ଆଶା ଏ ବର୍ଷ ତ ଦରଦାମ ଯାହା ପଚା ମଚା ଦୁନିଆ ବର୍ଷା ପାଣି ହେଇକିରି ପଚି ପୁଚା ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ଏ ବର୍ଷ ଦରଦାମ ତ ନାହିଁ ସେମିତି ଆଉ। ଯଦି ସରକାର କୌଣସି କିଛି ସୁବିଧା କରନ୍ତେ ଚାଷୀଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସରେ ହଟଚମଟ, ଏପଟେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ? କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ସେ ଏହାକୁ ସିଧାସିଧା ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଗତକାଲି ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡଭାଲଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଅମରିନ୍ଦର ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସହ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସାକ୍ଷାତ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ କଂଗ୍ରେସ ଶିବିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆଲୋଚନା ଓ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟି ମନାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗତ 18 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଅମରିନ୍ଦର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟା ଯିବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଅମରିନ୍ଦରଙ୍କୁ ହଟାଇ ଚରଣଜିତ ସିଂ ଚନ୍ନିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସର ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ କାରଣରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ସର୍ବସମ୍ମତିରେ କହିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।